नमस्कार दोस्तों, मैं कमलदीप चौहान आपका अपना होस्ट फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डन बीट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू ग्रो ग्लोडियोलस। तो दोस्तों, ग्लोडियोलस को हम काफ़ी नाम से जानते हैं, इसको आप स्वाट लिली के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने 20 दिन पहले यहाँ पे कुछ बल्ब लगाए थे, तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, आपका स्वाट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके जो स्टेम होता है, तो इसको हम स्वाट लिली के नाम से भी जाने जाते हैं और काफ़ी जगह पर इसको गैलोडी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि आपको ग्लोडियस कैसे लगाना है, उसके लिए पोटिंग मिक्सर कैसे रेडी करना है, आपके लिए ग्लोडियस लगाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है और टाइम टाइम पे उसको क्या क्या फर्टिलाइज़र देना है और उसकी क्या क्या देखभाल करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ग्लोडियस के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो, आप यहाँ पर हमारे पास ये कुछ बल्ब हैं, ये ग्लोडियोलस के बल्ब हैं, गैलोडी के बल्ब हैं, ठीक है। ये हमने ऑनलाइन परचेज किए थे। तो जो ग्लोडियस का जो पौधा होता है वो आपका बल्ब से ही लगाया जाता है, बल्ब से ही रेडी कर होता है। तो ये दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कैमरे को थोड़ा आगे लाइए, तो यहाँ दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमने तकरीबन 15 दिन पहले हमने ये ग्लोडियस के यहाँ पे दो बल्ब लगाए थे, एक यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है, और हमने कुछ वहाँ पे रजनीगंधा भी लगाया है। तो काफ़ी अच्छी तरह से हमारा यहाँ पे ये ग्रो हो रहा है, ठीक है। ये हमने कैना लिली लगाया है, ये भी इसको हमने रिपोर्टिंग किया था। तो दोस्तों, अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आपको ग्लोडियस कैसे लगाना है, ग्लोडियस को हम बल्ब से लगाते हैं। तो बल्ब इस टाइप के आपको बल्ब ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, या आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल हो तो आप लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो बल्ब परचेज करने से पहले आपको इसकी क्वालिटी हमेशा चेक कर लेनी चाहिए, किस टाइप के आपको बल्ब यूज करने हैं। तो इसके लिए जितना बड़ा आपका बल्ब होगा, जितना आपका पल्पी बल्ब होगा, जैसे यहाँ पे ये बल्ब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, हेल्दी बल्ब ही लगाइए। छोटे बल्ब, जैसे हमारे पास ये ऑनलाइन में एक छोटा बल्ब भी आ गया है, ठीक है, तो इससे हमें उस टाइप का रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। बल्ब का साइज जितना बड़ा होगा और जितना वो पल्पी होगा, उसमें उतनी ही ज़्यादा स्टेम निकलेगी, ठीक है। उसमें आपका ज़्यादा बड़ा बल्ब होगा, जैसे हमने इसको यहाँ लगाया, तो ज़्यादा बड़ा स्टेम होगा, उसमें 2-3 स्टेम निकलने के चांस रहते हैं। तो हमेशा ही आप बड़े साइज का बल्ब आप यूज़ कीजिए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। जैसे हमने ये बल्ब लगाया, इस बल्ब से हमारे पास एक या दो बल्ब हमारे और नए तैयार हो जाएंगे, जिसको आप नेक्स्ट सीजन में आप लगा सकते हो। तो दोस्तों, ग्लैडियोलस है ये आपका मूलतः नेटिवली यूरोपियन और अफ्रीकन रीजन का प्लांट्स होता है, और दुनिया भर में इसकी 300 से ज़्यादा आपकी स्पीसीज भी पाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इसको घर पे पोट में आप इसको लगाना चाह रहे हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे इसको लगाना है। इसके लिए सबसे पहले जो पोट आपको लेना है, पोट का जो साइज उसका आप बड़े ध्यान से लीजिए, क्योंकि ग्लेडियस का जो प्लांट होता है उसकी हाइट आपकी 2 फीट से लेके आपकी 5 फीट तक चली जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की आप वैरायटी आप यूज़ कर रहे हैं। तो पोट का आप चुनाव कीजिए। यहाँ पे जो हमने गमला लिया है, ये 10 से 11 इंच का हमने गमला लिया है, इसकी जो हाइट है 10 से 11 इंच की हाइट है, ये सफिशिएंट है। आप इतना बड़ा गमला ले सकते हैं, इससे बड़ा आपके पास गमला है तो भी आप ले सकते हैं, छोटा गमला ना लें। अब बात करते हैं इसकी पोटिंग मिक्सर की। तो पोटिंग मिक्सर में आपको क्या क्या लेना है, तो दोस्तों इसके लिए आप पोटिंग मिक्सर में आप गार्डन सोइल लीजिए। गार्डन सोइल आपको जो भी मिट्टी आपके यहाँ अवेलेबल हो वो मिट्टी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपका वर्मी कंपोस्ट ऐड कीजिए और थोड़ा सा रेत ले लीजिए। अगर आप ये कंपोजिशन में आप पोटिंग मिक्सर यूज करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 50% आपकी मिट्टी ली है, नॉर्मल गार्डन सोइल ली है, और आपका 40% के आसपास हमने वर्मी कंपोस्ट ली है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो डीकम्पोस्ट आप कोई भी आप ऑर्गेनिक खाद ले सकते हो, पुराने गोबर की खाद आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसमें 10% के आसपास आप इसमें रेत लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अभी पोटिंग मिक्सर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए
तीनों चीजों को अच्छी तरह यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं। लगाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे आपको उसको लगाना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो बल्ब है आपकी, इस बल्ब में दो पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये आपको नीचे की साइड रखना है, ठीक है, और ये पार्ट आपको ऊपर रखना है। यहाँ से आपकी रूट, नई रूट डेवलप होगी और इस पार्ट से आपका स्टेम निकलेगा। तो दोस्तों, गमले का जो आपको साइज रखना है वो आप कम से कम 10 इंच का गमला कम से कम लें। इससे बड़ा गमला है तो आप उसमें उतने ही ज़्यादा आप बल्ब लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये 10 इंच का गमला है तो इसमें हम 3 बल्ब लगाएंगे, ठीक है। और डिस्टेंस आपको जो रखना है वो कम से कम 1 से 1.5 इंच का आप डिस्टेंस रखिए, बल्ब से बल्ब का डिस्टेंस 1 से 1.5 इंच का डिस्टेंस रखिए। और जो भी आप बल्ब आप परचेज कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं या लोकल मार्केट से आप ले रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अच्छे क्वालिटी के बल्ब लें, ठीक है। ये हमने ऑनलाइन मंगवाए थे, देखिए दोस्तों इसके अंदर ये जो बल्ब फिर भी ठीक है और ये बल्ब हमारे पास काफ़ी छोटा बल्ब हमें मिला है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जो भी आपके पास बल्ब आए वो आपके हेल्दी हों और बड़े साइज़ में हों, ठीक है। और जितने बड़े साइज में आपके बल्ब होंगे, जितने पल्पी बल्ब होंगे, उसमें से उतनी ही स्टेम निकलेगी और आगे चल के उतनी ही आपकी स्पाइक्स निकलेगी। तो प्रेफर कीजिए आप हेल्दी और बड़े टाइप के बल्ब ही आप लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको आपको लगा के दिखा देता हूँ। लगाना इसमें बहुत ही ईजी है। लगाने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ी सी आप 1 इंच तक, 1.5 इंच तक मिट्टी आप हटा लीजिए और इसमें ये वाले पार्ट के आपको ऐसे रख देना है, ठीक है। सेम यहाँ पे मैं इसको ये ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। मिट्टी में थोड़ा सा आप दबा दीजिए। ये तीनों बल्ब हमने यहाँ पे ऐसे रख दिए हैं और इसको मिट्टी से मैं कवर कर देता हूँ। मिट्टी से कवर करने के बाद इसमें थोड़ी सी मिट्टी आप और एक्स्ट्रा डाल दीजिए, ठीक है। थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद अब इसमें हमें क्या करना है, हल्का हल्का इसमें पानी दे देना है। आपको देख लेना है मिट्टी आपकी ज़्यादा मॉइस्ट है, पोटिंग मिक्सर ज़्यादा मॉइस्ट है तो हल्का पानी दीजिए, ठीक है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत कीजिए, नहीं तो आपके बल्ब है उसका सड़ने का चांस रहता है कि, ठीक है। हल्का हल्का पानी दीजिए, तो दोस्तों पानी देने के आपका मान के चलिए ये 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा बल्ब के अंदर से। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, ये हमने जो दो बल्ब लगाए थे, ये दोनों बल्ब आपके ग्लेडियोलस के हैं, ठीक है। ये अभी अच्छी तरह से हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसको लगाने के बाद, आप इसको कम से कम, जैसे ही इसमें से नए सूट्स निकलना स्टार्ट हो तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की आपको इसको धूप देनी है और इसमें पानी भी आपको ज़्यादा भी ओवर वाटरिंग भी नहीं करना, ठीक है। आप मिट्टी को देख लें, ड्रेनिंग आपका और सही तरीके से है और आप रेगुलर इसमें पानी देते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों ग्लेडियोलस आपका तकरीबन 90 से 120 दिन में फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देता है। अगर आप उसको बल्ब से ग्रो करते हैं तो 90 से 120 दिन के अंदर अंदर ये आपका फ्लावर आपको देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेराइटी लगा रहे हैं। ये एक अप्रोक्सीमेटली मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इतने टाइम में आपका ये फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके लगाने का टाइम, किस मौसम में इसको लगाना चाहिए। तो सबसे अच्छा मौसम जो माना गया है हमारे इंडिया में वो आपका सितंबर से लेके आपका मिड नवंबर तक आप इसको बल्ब से लगा सकते हैं, ठीक है। ये मौसम सबसे अच्छा माना गया है और टेम्परेचर जब आपका
25 से 30 डिग्री के आसपास हो तब इसको आप बल्ब से आप इसको लगा दीजिए। और नॉर्मली इसको जब लगाने के बाद जब इसमें शूटिंग निकलना स्टार्ट हो जाए तो इसको कम से कम आप इसको 7 से 8 घंटा इसको प्रॉपर धूप दें, फुल सनलाइट में आप इसको रखें ताकि ये अच्छी तरह से आपका ग्रो कर सके। इसके लिए क्या क्या फर्टिलाइज़र हमें चाहिए, तो फर्टिलाइज़र में ये कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं करता, जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको मिले वो आप इसमें डाल सकते हैं। आप पुराने गोबर की खाद आप डाल दीजिए, थोड़ा बहुत अगर बोन मील डालना चाहिए तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और पानी इसमें प्रॉपर दीजिए और पानी में आपको ड्रेनिंग की व्यवस्था प्रॉपर रखिए, पानी ठहरा हुआ ना रहे, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें तो ये 90 से 120 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग इसमें स्पाइक्स में फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप स्पाइक की हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद आप 20 से 25 दिन के बाद बल्ब को भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप सोयल से आप उसके बल्ब को आप कलेक्ट कर लीजिए, उसमें नया बल्ब आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। पुराने वाला बल्ब है वो आपका फिनिश ख़त्म हो जाएगा और नया बल्ब रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको नए प्लांट के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्लांट है ये मैं सितंबर में लगा रहा हूँ और इस वीडियो को मैं यहीं तक आपको फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि ये टाइम आपका मिस हो जाए, और अगर आप इस प्लांट्स को अपने गार्डन में लगाना चाह रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।